नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चर्चा विषय वार्ता के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बहराइच के भीतर जो घटना हुई, जो सांप्रदायिक विवाद हुआ, अब उसके भीतर नए नए खेल देखने को मिल रहा, नए नए ट्विस्ट देखने को मिल रहा। क्या गंगाधरी शक्तिमान है, जो शक्तिमान का सीरियल हम सब ने देखा है शायद, और क्या वही सीरियल उत्तर प्रदेश के बहराइच के अंदर चरितार्थ होते हुए दिख रहा है कि गंगाधर, विद्याधर, ओमकारनाथ, कभी किलबिश बनता है, कभी कुछ बनता है, शक्तिमान सब एक ही व्यक्ति है क्या? आखिरकार उत्तर प्रदेश के बहराइच का घटना का दोषी किसको ठहराया जाए, किसको माना जाए? दरअसल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की उस इलाके की मैसी विधानसभा सीट के विधायक हैं सुरेश्वर सिंह साहब। सुरेश्वर सिंह ने एक एफआईआर दर्ज करवाई और जो एफआईआर की भाषा है वो अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो तमाम सारे बयान आ रहे थे, जिस तरह की बातें की जा रही थी और जिस तरीके से गोदी मीडिया के तमाम लोग बातें कर रहे थे, उस थ्योरी के पूरी तरह से उलट जाकर के बातें कर रही है एफआईआर। सुरेश्वर सिंह ने अपने एफआईआर के भीतर भारतीय जनता पार्टी के नेता समेत 8 लोग को इस बात के लिए दोषी माना है कि ये लोग उनकी जान लेने पर तुले हुए थे। उनकी नहीं बल्कि उनके बेटे अखंड प्रताप सिंह की भी जान लेने पर तुले थे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि बहराइच की घटना का दोषी कौन? एक तरफ कहा जाता है कि दुर्गा पूजा के मूर्ति विसर्जन के दौरान कुछ कथित उपद्रवी लोगों ने उसे इस घटना को, इस विवाद को बढ़ाने का काम किया। उसके भीतर एक राम गोपाल मिश्रा नाम का एक युवक का जान भी चला गया। और इस तरीके की बातें जब चल रही थी, तब आप गोदी मीडिया के नैरेटिव को आप ध्यान दीजिए, याद कीजिएगा। तमाम तरह के जो पत्रकार है, चैनल बदल करके दूसरे दूसरे चैनल पे जाते हैं, एक चेहरे पर कई सारे चेहरे थोपते रहते हैं, चैनल का चेहरा बदलते रहता है। और कुछ तो ऐसे ऐसे प्रवक्ता है तथा कथित दक्षिणपंथी राइट विंगल्स, कौन किसका नाखून निकाल लिया, कौन किसके साथ क्या किया, कौन कितनी गोलियां मारा, सब कुछ टीवी चैनलों पर बोलते हैं। बाद में ट्वीट करते हैं, नहीं नहीं मैंने वो पत्रकारों की भाषा सुनी थी तब बोली थी। तो कायदे से तो ऐसे पत्रकारों के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए जिन्होंने, जिनके बयानों से और जिनके जिनके अपुष्ट बातों से उत्तर प्रदेश के बहराइच मामले में भ्रम फैल रहा था और सांप्रदायिकता की घटनाएं बढ़ रही थी। लेकिन ऐसा कुछ खेल होता नहीं, होता जो है उस बात की कल्पना कोई नहीं किया था। सुरेश्वर सिंह ने एक एफआईआर दर्ज करवाई है तो निश्चित ही तौर पर एक जिम्मेदार व्यक्ति है, विधानसभा के सदस्य है, एमएलए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनको भाजपा कार्यकर्ताओं से ही अपना जान का खतरा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ही उसका जान का खतरा है, तो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर ऐसे असामाजिक तत्व को रखते हैं, मेंबरशिप देते हैं जिनको उन्हीं के कार्यकर्ता द्वारा उनके विधायक और उनके एमएलए को जान की खतरा होता है? एक तरफ उत्तर प्रदेश के बहराइच का माहौल खराब होता है, वहीं दूसरी ओर उस घटना को उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर के दायरे में भी फैलाने की कोशिश, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की पूरी कवायद। और इन तमाम बातों के बीच उत्तर प्रदेश के बहराइच को कंट्रोल करने की बजाय माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश करते हुए गोदी मीडिया के कुछ मताधीश होते हैं। लेकिन सवाल है, पूरे थ्योरी से थोड़ी उलट, जब सुरेश्वर सिंह भारतीय जनता पार्टी के विधायक जब सामने आए हैं, उन्होंने जब वहां के नगर कोतवाली के भीतर जो भारतीय न्याय संहिता जो नई वाली आईपीसी की जगह आई है उसकी कुछ धाराएं 191, 123 पता नहीं और तमाम सारी कौन धाराएं हैं, उसके भीतर उन्होंने जो एफआईआर दर्ज करवाई है, उस मुकदमे में दर्ज नामों के ऊपर अगर आप ध्यान दें तो 2-3 बातें इससे स्पष्ट होती है। एक तो शिक्षक का नाम, सहायक अध्यापक का नाम उसके भीतर शामिल होता है। भारतीय जनता पार्टी विधायक द्वारा जो मामला दर्ज कराया गया उसके भीतर धारा 191, धारा 3, धारा 5, धारा 109, धारा 1, मतलब धारा 324-2, धारा 391-3, धारा 352 और धारा 125 के तहत शिकायत करते हुए उन्होंने दावा किया इस बात का कि मृतक जो इस विवाद में जिस युवक की जान गई राम गोपाल मिश्रा, उसके डेड बॉडी को, उसकी लाश को लेने के लिए जब मॉर्चुरी में जाने की तैयारी करते हैं, सब घर में तो इस ये लोग मुर्दाबाद का नारा लगाने लगे और उनके साथ पत्थर फेंकने की भी घटनाएं जो जिक्र उन्होंने एफआईआर के अंदर किया कि उपद्रवियों ने इस तरह की घटना शुरू कर दिया। अब नाम किसका लिखा है एफआईआर के अंदर, वो नाम भी देख लीजिए। नाम होता है अर्पित श्रीवास्तव, जिनको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बताया जाता है, अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, पुष्पेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, पुंडरीक पांडे, सुधांशु सिंह
और कुछ अज्ञात उपद्रवियों के नाम इस मुकदमे में एक केस 18 अक्टूबर के सामने 5 बजे के आसपास दर्ज किया गया है। पुनरिक पांडे इसमें एक नाम होता है जो हमने लिया। इनके बारे में जो जानकारी निकल करके आ रही कि यह एक अध्यापक है, यह एक शिक्षक है, ऐसे में सवाल उठता है कि अगर अध्यापक ही उपद्रव करने गया तो क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या सरकारी कर्मचारी, कोई शिक्षक, कोई क्लर्क या कोई और यदि उपद्रवी करने जाता है तो सबसे पहले तो उसको सस्पेंड करके विभागीय कार्रवाई और विभागीय जांच उसके ऊपर शुरू होनी चाहिए? और ये उपद्रव कर रहा है कोई व्यक्ति, कोई शिक्षक, कोई अध्यापक, ये बात कोई विपक्ष का व्यक्ति नहीं कर रहा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं। विपक्ष के लोग तो तमाम तरह के सरकार के कार्यक्रम पे सवाल उठाते हैं, सरकार का इस तरह की जो घटना होती है, लेकिन सरकार मानती नहीं। ये बात भारतीय जनता पार्टी के MLA सुरेश्वर सिंह कहते हैं, बाकायदा FIR दर्ज करवाते हैं, मुकदमा दर्ज करवाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ, सहायक अध्यापक के खिलाफ, शिक्षक के खिलाफ, और बहराइच के घटना को लेकर के जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है उस नैरेटिव के ठीक उल्टा जाकर के मामला विधायक FIR के बाद आता है। तो उसके बाद में क्या उत्तर प्रदेश के भीतर योगी आदित्यनाथ की सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाएगी? क्या MLA के कहने के बाद, उनके मुकदमे दर्ज कराने के बाद, क्या इस मामले के भीतर जिन तमाम लोगों के नाम सामने आया उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी होगी? क्या उनके खिलाफ न्यायालय के भीतर उनकी पेशी करके उनके खिलाफ क्या जो भी ये तो उचित कार्रवाई होगी वो करेगी? ये सारे सवाल मौजूदा वक्त में होता है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के भीतर ये सवाल इसलिए बेमानी में दिखता है क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश के भीतर आपने देखा होगा कि इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के साथ क्या हुआ था। सुबोध कुमार उपद्रवियों के भीड़ ने सुबोध कुमार सिंह की जान ले ली। क्या हुआ उस मामले के भीतर? जमानत पाकर के लोग इधर उधर घूमते हैं, एक सियासी दल से भी संबंध बताए जाते हैं उन लोगों के। आखिर बनारस के भीतर जो लड़कियों के साथ उत्पीड़न की घटना हुई थी BHU कैंपस के भीतर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भीतर, खुद को एक पार्टी के नेता बताने वाले जो लड़के थे जिनके ऊपर आरोप था बुलेट से, याद होगा, क्या हुआ था उस मामले के ऊपर? क्या हुआ हाथरस की घटना के बाद? क्या हुआ 69,000 शिक्षक बहाली के भीतर प्रदर्शन करने वाले लोगों के ऊपर जो लाठियां चार्ज की गई? आखिर उत्तर प्रदेश के भीतर इस तरह की घटनाएं जब होती है, और खास करके कानपुर के वो दीक्षित फैमिली जिसके भीतर घर भी जल रहा था और जले हुए घर पर बुलडोजर भी चल रहे थे और माँ बेटी की जान चली गई थी, उस उत्तर प्रदेश के भीतर MLA सुरेश्वर सिंह की तो बात तो सुनी जाएगी। इस बात का उम्मीद पूरा देश करता है। सत्ता पक्ष के विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के MLA, लिहाजा उनके बारे में देश के लोगों को उम्मीद है कि इनकी बात जांच एजेंसियां कम से कम सच माने और कार्रवाई करें। विधायक जी, MLA जी सच बोल रहे हैं या फिर एक है कि राज्य के भीतर, उत्तर प्रदेश के भीतर राज्य प्रशासन के तरफ से जो बातें तमाम सारी आ रही सामने वो सच है, या गोदी मीडिया के एंकर जो तमाम तरह के उठपटांग खबरें चलाते हैं क्या उसको सच माना जाए? आखिर है क्या सच? उत्तर प्रदेश के बहराइच की घटना का सच आखिर है क्या? उसको सामने लाने की कोशिश जब विधायक सुरेश्वर सिंह के FIR के बाद 18 अक्टूबर से आज 22 अक्टूबर हो गया है, 3-4 दिनों में जो कोई दिलचस्पी उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं दिखाई गई, तो क्या इसको मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में सरकार के भीतर ही बहराइच के मामले से निपटने के लिए मतभेद होता है सरकार के भीतर? क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस चर्चित बयान को ध्यान कीजिए कि राज्य के लॉ ऑर्डर को जिसने भी छेड़ने की कोशिश की उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मई जून में शिमला बनाने की बात छोड़ दीजिए, अक्टूबर में शिमला नहीं बना पाए बहराइच को योगी आदित्यनाथ। ये सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में कर्फ्यू तक लगाना पड़ा, बहराइच के भीतर एक नौजवान की जान तक चली गई, बहराइच के भीतर सांप्रदायिक तत्वों के भीड़ ने पूरे शहर के माहौल को बिगाड़ दिया, और उसकी सार्वजनिक स्वीकृति भारतीय जनता पार्टी के MLA के द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे से हो रही है। जिस राज्य के भीतर एक सत्ताधारी दल का एक MLA जब सुरक्षित नहीं है, अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता से वो असुरक्षित महसूस करता है, तो उस राज्य के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के अगर कोई दावे सरकार करती है उस दावे के ऊपर लोग ठहाके नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे? समाज के भीतर इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता कि क्राइम नहीं होगा, अपराध नहीं होंगे। अपराध होना और अपराध को लेकर के गलत नैरेटिव सेट करना और उस अपराध के रास्ते से सियासी रोटी सेकने का प्रयास करना,
इस बात से जघन्य, इससे बड़ा जघन्य अपराध कुछ नहीं हो सकता। यही 13 अक्टूबर से लेकर के आज 22 अक्टूबर हो गया, करीब करीब हर दिन यही होता है बहराइच के मामले को लेकर, बहराइच की घटना को लेकर के फेक न्यूज की एक इंडस्ट्री चलती है पूरी, लेकिन जो सच है वो कोई नहीं दिखाता। आज तक पुलिस प्रशासन ने जांच में क्या किया किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन जो मालूम है जो पता है उस खबर को दबा दिया जाता है। 18 अक्टूबर को सुरेश्वर सिंह एमएलए की तरफ से एफआईआर दर्ज होती है, मुकदमा दर्ज होता है, पता चलता है 21 अक्टूबर एमएलए जी के, विधायक जी के महिमा एक्वेरियम पर 18 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज करवाते हैं सुरेश्वर सिंह विधायक जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस बात की जानकारी तक नहीं देते, अन्यथा वो खबर सोशल मीडिया के जरिए उसी दिन सामने आ जाती, कोई टीवी चैनल की जरूरत नहीं था। ये 3-4 दिन बाद ये मामला सामने आता है उत्तर प्रदेश के भीतर, जहां लगातार सांप्रदायिक माहौल को नए तरीके से गढ़ने की जो कवायद है कुछ कथित तत्वों के द्वारा जो हमेशा चलती रहती है उस प्रदेश के भीतर, सवाल ये होता है कि इस चीज की पत्रकारिता कौन सा, ये कौन सा लोग बताए इस घटना के बारे में कि सच क्या, जहां पर जो तमाम सारी घटनाओं को ऐसे वैसे पीस करके बताने वाले सरकार को किसी न किसी तरीके से इधर से उधर कर दिया जाता है। कैसी तरीके से उत्तर प्रदेश के बहराइच की घटना को सच लाने वाले जो विधायक है, सत्ताधारी दल के जो विधायक है सुरेश्वर सिंह, क्या उनको टिकट काट दिया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के भीतर ये परंपरा कोई नई नहीं है। दिल्ली डीडीसीए का विवाद आपको ध्यान होगा, और डीडीसीए के विवाद के ऊपर उस समय के नरेंद्र मोदी सरकार ने एक ताकतवर मंत्री जो अब दिवंगत है उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद कीर्ति आजाद ने मोर्चा खोल दिया था। क्या हुआ था कीर्ति आजाद के साथ उस समय? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से उनको रुखसत होना पड़ गया था। तो क्या ऐसे में सुरेश्वर सिंह को इस घटनाक्रम के लिए भारतीय जनता पार्टी से रुखसत होना पड़ेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर पार्टी के द्वारा सेट किया जा रहा है या पार्टी के विचारधारा के लोगों द्वारा सेट किए जा रहे नैरेटिव के उलट जा करके अगर कोई भी कार्रवाई करने वाले कोई खैर नहीं है। जो कीर्ति आजाद के साथ दिल्ली के भीतर हुआ था, क्या वही सुरेश्वर सिंह के साथ उत्तर प्रदेश के भीतर होगा? और इससे उलट एक और बातें सामने आती हैं कि सुरेश्वर सिंह को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विश्वास पात्र माना जाता है। वाह कमाल है, विश्वास पात्र इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब विधान परिषद के भीतर थे तब भी भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के द्वारा सर्वसम्मति से चुने गए नेता थे। आज वो गोरखपुर से विधायक है, एमएलए हैं, तब भी सुरेश्वर सिंह जैसे 255 विधायक द्वारा चुने गए विधायक दल के नेता है, तभी वो मुख्यमंत्री पद पर नेता है, मुख्यमंत्री पद के ऊपर है। तो जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नेता चुना, अगर वो एफआईआर दर्ज करवाते हैं, योगी आदित्यनाथ की राज्य सरकार की पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है, तो क्या उस मामले के ऊपर जो नैरेटिव सेट किया गया उसके उलट जाकर के पुलिस इस मामले की जांच कर पाएगी? गृह मंत्रालय, राज्य का लॉ एंड ऑर्डर, वो खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास है। कई तमाम सारे प्रयास हुए, कई कोशिशें की गई कि किसी पूर्व ब्यूरोक्रेट्स को जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के भीतर एंट्री लेते हैं उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर का मामला को छोड़ दिया जाए, वो कामयाब नहीं हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको छोड़ने के लिए कामयाब नहीं हुए, तो क्या एक और सुरेश्वर सिंह के एफआईआर को गलत साबित करने के लिए पूरा राज्य की प्रशासन जुट जाएगा? आखिर बीजेपी के भीतर, भारतीय जनता पार्टी के भीतर से दो तरह की बातें निकल के आती है, माहौल कुछ और उत्तर प्रदेश के बहराइच के भीतर बनाया जा रहा है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके ओदी मीडिया के जरिए सरकार समर्थक पत्रकार जो है पत्रकारिता का जो एक चादर ओढ़े बैठे हुए कुछ और बयान करें, और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का जनता के द्वारा निर्वाचित विधायक कुछ और एफआईआर दर्ज करवा दे कि आप नहीं कार्यकर्ता से सहायक शिक्षक के द्वारा जान का खतरा। आखिर ये मामला में चल क्या रहा है? इस पूरे मामले को देखने के बाद साफ साफ ये दिखाई पड़ता है कि कहीं इस मामले को उलझाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है कि दो चार तरह की बातें मीडिया के भीतर जाए, खबरें को दबा दिया जाए, कौन सही है कौन गलत है, देश की जनता इसी में उलझ जाए, फिर कोई नया मामला किसी दूसरे राज्य से किसी दूसरे स्वरूप में सामने आ जाए, लोग उसके ऊपर चर्चा करने लगे। आज के समय की ये रवायत कोई नई नहीं है, पिछले 10 सालों से लोग देख रहे हैं कि यही तमाम सारी चीज होते जा रहा है। देखते रहिए बहराइच के लोगों को कब न्याय मिलता है, और बहराइच की शांति प्रिय जनता को सांप्रदायिक तत्वों से मुक्ति दिलाने में राज्य की सरकार, राज्य का प्रशासन कितनी मदद कर पाता है। किसी भी धर्म का धर्मावलंबी हो वो आमतौर पर शांति प्रिय होता है। एक सरा आलू ना पूरे बोरे के आलू को गंदा कर देता है, क्या उस सरे आलू को बेनकाब के लिए
बेनकाब करने के लिए सुशवंत सिंह भारतीय जनता पार्टी के एमएलए मामला दर्ज करवाया, ये पूरे मामले को उलझाने के लिए एफआईआर करवाया है। अगर निष्पक्ष जांच होगा तो निष्पक्ष तरीके से सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। लेकिन प्रश्न तो ये है, सवाल तो ये है कि निष्पक्ष जांच करेगा कौन? दीक्षित फैमिली पे बुलडोजर कौन चलाया? जांच नहीं हुई। सुबोध कुमार सिंह को किसने मारा? इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को किसने मारा? उसकी भी जांच पूरी हुई क्या? नहीं हुई, लेकिन सजा तो अब तक नहीं हुई। बीएचयू वाले मामले में जो लड़कियों का उत्पीड़न हुआ उसके भीतर भी अब तक सजा नहीं हुई, तो क्या यह मामला भी इसी तरीके से दब जाएगा, दफन हो जाएगा, बोरी बिस्तर में बंद कर दिया जाएगा? उम्मीद पे दुनिया कायम है, देखते रहिए आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत। राज्य की सुरक्षा और शिक्षा ये हमारी जिम्मेदारी है, कहने वाले मुख्यमंत्री के राज्य में क्या कुछ होता है देखिए।